यहाँ पर मतलब एक्चुअली यहाँ पर रहने का ये था कि ये जगह जंगल के बीच में है, और जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एम है, विजन है, उसको सेटिस्फाई करती है। और उसके अलावा हम यहाँ पर रह के, एक्चुअली हम सिटीज़ में रह के, हमें ये नहीं पता था कि हम क्या खा रहे हैं, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक लोग हमें क्या बेच रहे हैं। और मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बेसिकली जो दालें आती हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, दूध नहीं था, मतलब सब कुछ नकला नकली नकली आपको दिल्ली NCR में मिलता है। तो हमारा पर्पस था, मतलब शुरू से दिल करता था कि हम अपना खाना खुद ग्रो करें। तो यहाँ पर तभी हमारा इको विलेज का प्लान आया कि यहाँ पर जो भी रहे उसको अपना खुद का मतलब ग्रेन्स मिले, ऑयल है, घी है, दूध, बटर, एग्स, मीट जो कि पोल्ट्री से आता है, गोट से आता है, वो सब हम यहाँ पर ही एक इंटीग्रेटेड फार्म बनाए जिसमें यहाँ रहने वालों को हर चीज़ जो भी वो लेना चाहे, जो कि इस एनवायरनमेंट में रह सकती है, ग्रो हो सकती है, वो उनको मिले। तो ये हमारा एक विजन था, और धीरे 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 वो विजन, पहले तो लोगों को समझ नहीं आता था, उनको समझ नहीं आता था कि हम गुड़गांव से यहाँ पर आके क्यों रह रहे हैं, हम जंगल में क्यों रह रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद अस एंड व्हाई वी इन्वेस्टिंग सो मच। बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ नाउ एवरीबडी कम्स एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल वर कमिंग ओवर एंड दे वॉन्टेड टू स्टे। तो हमने धीरे धीरे लोगों की डिमांड पे यहाँ पर एक फार्म स्टे, एक कमरे में, एक कंटेनर रूम में बना, मतलब लोगों को हमने स्टे कराना शुरू किया, एंड दे गेव अस वेरी गुड यू नो फीडबैक्स, रिव्यूज़। और खाना, क्योंकि अब खाने के लिए भी हम, मतलब वी वर नॉट हैविंग एनी हेल्प ईदर दैट टाइम, तो लोगों को खाना भी पसंद आता है क्योंकि फार्म फ्रेश होता है एकदम, मतलब आटा भी तभी पीसा जाता है, और लहसुन की जो भी खाना है, जो भी हमारी, हम वेजिटेबल्स सिर्फ अपने लिए ग्रो करते हैं क्योंकि हम रोज़ रोज़ मार्केट में नहीं जाके सेल कर सकते, और बिसाइज उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि मार्केट में तो आपको नॉर्मल प्राइस ही मिलते हैं जबकि हमारी प्योर ऑर्गेनिक होती हैं।